गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम यू इन योर सोशल क्लास आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम्स बेटा वी विल चैप्टर दैट इज इंडिया लोकेशन ऑन द ग्लोब इंडिया की ग्लोब के ऊपर लोकेशन कहाँ है इंडिया इज सिटेड इन द नॉर्दन हेमिसफेयर एज इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर तो इक्वेटर सेंट्रल लाइन है ठीक है तो इक्वेटर के नॉर्दर्न वाली साइड में इंडिया है ठीक है तो so इसकी क्या होगी नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर लोकेशन है द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जो है ठीक है वो कंट्री uh, के मिडल में से पास होती है एंड डिवाइड्स इट इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट और इसको दो हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है द एरिया लाइंग इन दॉ द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया जो एरिया नॉर्थ वाले पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाइ करता है उसको सब ट्रॉपिकल ऑफ इंडिया बोलते हैं एंड साउदर्न एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल इंडिया और साउथर्न को ट्रॉपिकल इंडिया बोलते हैं बींग सिटुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर तो ईस्ट अगर हम बात करें ठीक है ईस्ट में सिचुएटेड होने के कारण प्राइम मेरिडियन में इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाइ करता है इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ साउथ में इंडियन ओशन है अरेबियन सी इन द वेस्ट और वेस्ट में अरेबियन अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है द इंडियन पैनन्सुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड ऑक्युपाई सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ़ द इंडियन ओशन तो जो इंडियन है पेनसुला वो साउथ ऑफ एशिया के अंदर है और सेंट्रल लोकेशन को ओक्युपाई करता है जहाँ पे इंडियन ओशन के ऊपर हेड वाले एरिया में टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया वेस्ट की अगर हम बात करें अक्रॉस द अरेबियन सी से लेकर लाए द अरब कंट्रीज़ अराउंड द पर्शियन गल्फ़ एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ तो अरब कंट्रीज़ हैं पर्शियन गल्फ की तरफ और ईस्ट की तरफ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं क्लियर दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट पेज तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थैंक यू